हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आज आप कंट्रोल F6 के बारे में जानेंगे। कंट्रोल F6 शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या यूज है। स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो व्हेन मोर देन वन वर्कबुक विंडो इज ओपन से मेजर कंट्रोल टैब। कहने का मतलब है, अगर आपकी एक्सेल की बहुत सारी विंडो ओपन हो रखी है, आप उसमें स्विच करते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि एक्सेल की बहुत सारी विंडो खुली हुई है, उस सिर्फ आप एक्सेल के अंदर ही मूव करना चाहते हैं। जैसे कि हम ऑल टैब के थ्रू क्या जितने भी एप्लीकेशन है सिर्फ उसमें ही मूव होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारी एक्सेल खुली हुई हैं मूव होना चाहिए, तो हम कंट्रोल टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हो, तो सेम कमांड कंट्रोल टैब के थ्रू हम नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल F6 के थ्रू करेंगे तो सेम कमांड। तो आप देख रहे हो, सिर्फ आपकी जितने भी बुक खुले हुए हैं यानी कि वर्कबुक, एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो रखी है, सिर्फ उसी में ही ये मूव कर रहा है। F7 टेबल टू बुक 1 ऑल शॉर्टकट कीज बुक 9, जैसे कि आप ऊपर टॉप में देख रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको कंट्रोल F6 के बारे में पता चल गया होगा और ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज के बारे में, एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए शॉर्टकट कीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।